हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हरमनदीप सिंह। स्वागत है आपका। आपने देखना शुरू कर दिया है इजी इलेक्ट्रॉनिक फॉर यू। तो चलिए आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कि मैग्नेट्रॉन क्या होता है, इसकी वर्किंग एप्लीकेशन डायग्राम के साथ एडवांटेज सब भी कुछ हिंदी में बड़े ही सरल भाषा में समझाऊंगा। चलिए शुरू करने से पहले एक कोट हो जाए, शिक्षा सुंदरता और जवानी को मात दे देता है। दोबारा सुन लीजिए दोस्तों, शिक्षा सुंदरता और जवानी को मात दे देता है। चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन में। सबसे पहले द कैविटी मैग्नेट्रॉन। देखिए मैग्नेट्रॉन जो होता है इज अ हाई पावर्ड वैक्यूम ट्यूब दैट जनरेट माइक्रोवेव्स यूजिंग इंटरेक्शन ऑफ स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन विद मैग्नेटिक फील्ड। देखिए माइक्रोवेव जनरेट करता है, सिंपल सी बात है ये, माइक्रोवेव जनरेट करता है यूजिंग क्या, इस्तेमाल करके इंटरेक्शन ऑफ स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन को यूज करके माइक्रोवेव प्रोड्यूस करता है। समझ आएगा दोस्तों, ऐसी वैक्यूम ट्यूब है ये, आपको समझ आएगा। धीरे धीरे बने रहिए मेरे साथ। अब देखने में ऐसा होता है रियल लाइफ में मैग्नेट्रॉन। देखिए बहुत सारा ABCD मैंने बहुत सारे रखे हैं मैग्नेट्रॉन, देख लीजिए ऐसा होता है। ठीक है, इसके एप्लीकेशन में भी आपको दिखाऊंगा। टाइप्स देखिए, टाइप्स तीन तरह की है, नेगेटिव रेजिस्टेंस टाइप, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी मैग्नेट्रॉन और ट्रैवलिंग वेव कैविटी टाइप। ठीक है, ये ट्रैवलिंग वेव और कैविटी टाइप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी की आज हम वर्किंग पढ़ेंगे भी। सबसे पहले देखिए नेगेटिव रेजिस्टेंस टाइप, इसमें द नेगेटिव रेजिस्टेंस बिटवीन टू एनोड, दो एनोड के बीच में नेगेटिव रेजिस्टेंस होता है is used, they have low frequency, used for low frequency, ठीक है, less than 500 megahertz, less than 500 megahertz, हाँ, ठीक है, negative resistance है, low efficient है, low frequency है, less than 500 megahertz, ठीक है, आगे cyclotron frequency magnetron क्या है, the synchronism between electric component and oscillator electron, इन दोनों के बीच में सिंक्रोनाइज कराया जाता है और फिर माइक्रोवेव प्रोड्यूस कराई जाती है। ये 100 मेगाहर्ट्ज तक ही सीमित है, मतलब यूजफुल, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। ये इंपॉर्टेंट है जो आपने आज हमने पढ़ना है। इसमें क्या होता है, इंट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड रोटेटिंग EMF, EM, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड इज टेकिंग इन टू अकाउंट, यही इसकी वर्किंग है, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। हाई पीक पावर ऑसिलेशन आर प्रोवाइडेड, मतलब ऑसिलेशन है वो हाई पीक की प्रोवाइड करता है। ये यूजफुल इन रडार एप्लीकेशन, रडार में इसका इस्तेमाल होता है। तो देखिए वर्किंग में, ठीक है, ये वर्किंग में दिखाओ, देखते हैं। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेट्रॉन इज सच दैट इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करते हैं इन ए कैविटी, एक कैविटी के बीच में, इसलिए इसे कैविटी मैग्नेट्रॉन भी बोलते हैं। देन हाई पावर ऑसिलेशन आर गेट जनरेट, बस यही इसकी वर्किंग है। क्या है, दोबारा सुन लीजिए दोस्तों, कि इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इंट्रैक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के साथ एक कैविटी में, इसी वजह से हाई पावर ऑसिलेशन जनरेट होती है। ठीक है, आगे देखिए इसकी वर्किंग में, आप मैं आपको तीनों एक साथ समझाऊंगा ताकि आपको कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। देखिए ये मैग्नेट्रॉन का स्ट्रक्चर है जो मैंने बनाया है, ठीक है, बीच में होती है कैथोड, जो कैथोड होता है नेगेटिव, इसे हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, नेगेटिव देते हैं सप्लाई, तो ये इलेक्ट्रॉन जनरेट करती है। और ये है हमारा एनोड, बीच में क्या लगा हुआ है, कैथोड, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। समझ गए इस बात को, देखिए जब हमारी ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड भी है जो जीरो है, तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा और यहाँ सीधा कैथोड तक पहुँच जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे आपको सब कुछ समझाऊंगा कि ये क्या है, ये क्या है, सब कुछ। पहले इसी को समझो कि जब सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है तब इलेक्ट्रॉन बीच से निकल के सीधा कैथोड एनोड तक चला जाएगा। ठीक है, ये एनोड है, ये कैथोड है, समझ गए। अब देखिए
अभी यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड भी आ गई, मतलब बोथ हैं, इलेक्ट्रिक भी है और मैग्नेटिक भी है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा ज़रूर, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से थोड़ा डाइवर्ट हो जाए, बेंड हो जाएगा, एंगल हो जाएगा उसका ऐसे, मतलब कुछ एंगल पे जाके पहुँचेगा, डायरेक्ट नहीं पहुँचेगा, कुछ एंगल ले लेगा वो पहुँचने में, क्योंकि इसमें दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग रही है और मैग्नेटिक फील्ड भी लग रही है, ठीक है। तीसरा देखिए, ओनली मैग्नेटिक फील्ड, जब सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा कैथोड से और वापस धीरे 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 करके कैथोड पे ही आ जाएगा, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको बहुत ज़्यादा एंगल बेंड कर देगी कि वो वापस वहीं पे आ जाए जहाँ से चला था। तीनों समझ आ गए दोस्तों आपको? अगर आ गए तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जब इलेक्ट्रिक फील्ड है सीधी, तो तब सीधा जाएगा कैथोड से एनोड तक इलेक्ट्रॉन, जब मैग्नेटिक फील्ड है तो वापस आ जाएगा, आगे नहीं जाएगा, जब दोनों है तो कुछ एंगल पे जाएगा, जाएगा जरूर। इसके बाद देखिए अब वर्किंग में, देखिए ये, देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, देखिए ये दोनों ना 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं, ये बात याद रखिए आपको, ये तो आपको पता होना चाहिए। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे चल रही है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे 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 ऐसे, मतलब उसके 90 डिग्री के एंगल पे होगी, ठीक है। उसके बाद ये मैग्नेट्रॉन की एप्लीकेशन यहाँ से आपको ज़्यादा समझ आएंगी। देखिए जो ये कैविटीज लगी है ना, ये राउंड राउंड सी लगी हुई है ये सारी कैविटीज, ठीक है, ये एक तरह का इंडक्टर का काम करने लग जाती है। भाई क्यों करने लग जाती है? क्योंकि यहाँ पे इसके शोर पे नेगेटिव चार्ज आता है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज। देखिए एक अगर मान ली दो चीज़ें हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है आने लग जाए और यहाँ पे नेगेटिव आने लग जाए, तो ये कैपेसिटर बन जाता है, नॉर्मल सी बात है। ये कैपेसिटर बन गया तो इंटरेक्ट किसके साथ कर रहा है? इसके साथ, और ये इंडक्टर की तरह बिहेव करने लग गया। दोस्तों अब जाके समझिए कि अगर एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर आपस में जुड़ जाए, आपस में कनेक्ट हो जाए, तो LC सर्किट बनता है। LC सर्किट बनने की वजह से ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होती हैं, समझ गए? ऑसिलेशंस की किस फ्रिक्वेंसी की ऑसिलेशन प्रोड्यूस होती हैं ये देखिए, फ्रिक्वेंसी 1/2π√1/LC, इस फ्रिक्वेंसी की ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। ये नेगेटिव और पॉजिटिव तब बनेगा ना जो जहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा फिर नहीं। देखिए अब आपको और समझ आएगा, देखिए इलेक्ट्रॉन पहले तो जा रहा है, ठीक है, फिर यहाँ पे बिल्कुल नहीं जा रहा, एनोड के पास बिल्कुल नहीं जा रहा, देखिए यहाँ से आगे यहीं चला गया, तो यहाँ पे कम जा रहा है, मतलब यहाँ पे चला गया तो यहाँ पे बंच बन गए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के बंच बनने लग जाते, तो बंच यहाँ बनते तो एम्पलीफाई भी होता है चीज, ठीक है। तो वैसे हमने यहाँ पे एम्पलीफाई नहीं, क्योंकि मैग्नेट्रॉन है सिंपल, हमने ऑसिलेशन ही प्रोड्यूस करनी है, ठीक है। तो जाने से नेगेटिव पॉजिटिव ये प्लेट्स का काम करने लग गई और ये इंडक्टर का काम करने लग गया। अगर दोनों चीज़ें जुड़ जाएं आपस में तो ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होते हैं, जिसे हम LC सर्किट कहते हैं। देखिए ये वाली वर्किंग थी ना जो वर्ल्ड वार हो गया था ना, तब UK ने USA को दी थी ये टेक्नोलॉजी, लेकिन USA के साइंटिस्टों को समझ नहीं आई इसकी वर्किंग, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपने समझ ली होगी, सिंपल सी बात है, फिर समझा देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रिक फील्ड में आगे जाएगा सीधा, मैग्नेटिक फील्ड में बिल्कुल नहीं जाएगा, और जब दोनों है तो जाएगा धीरे से जाएगा, ठीक है। इसी प्रोसेस की वजह से यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज ने कैपेसिटर बना दिया, कैपेसिटर की वजह से ये इंटरेक्ट इससे कर रहा है तो इंडक्टर, क्योंकि ये चार्ज डिस्चार्ज तो इंडक्टर में ही होएगा ना, इंडक्टर में ही, ठीक है। कैपेसिटर ऐसे ये देखिए, ठीक है, तो किसकी ऑसिलेशन प्रोड्यूस करता है ये 1/2√LC, मतलब ये ऑसिलेशन प्रोड्यूस करा दी हमने। एडवांटेज देखिए अब इसकी, मैग्नेट्रॉन है हाईली एफिशिएंट डिवाइस है जनरेशन ऑफ हाई पावर माइक्रोवेव सिग्नल, मतलब हाई एफिशिएंट है हाई पावर को जनरेट करने के लिए माइक्रोवेव सिग्नल की। कहना राडार में यूज होता है इसका एडवांटेज है बहुत अच्छी। इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी है दोस्तों, डिस्पाइट ड्यूरिंग वाइड रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी देयर एग्जिस्ट ड्रॉबैक इन कंट्रोलेबिलिटी ऑफ जनरेट फ्रिक्वेंसी।
थोड़ा कंट्रोलेबिलिटी ऑफ जनरेट फ्रिक्वेंसी करने में दिक्कत आती है, ये इसकी डिसएडवांटेज है। इट ऑफर्स एवरेज पावर अराउंड 1 to 2 kW तक एवरेज पावर इसकी आती है। मैग्नेट्रॉन आर क्वाइट नॉइसी, देखिए अब तो फिर भी इम्प्रूव हो गया है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि मैग्नेट्रॉन थोड़ा नॉइसी है। एप्लीकेशन देखिए, मैग्नेट्रॉन इज प्रेजेंट इन पल्स रडार्स, रडार सिस्टम में मैंने आपको बताया, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस हाई पावर माइक्रोवेव सिग्नल, जहाँ पे यूज़ होता है रडार में, ठीक है, इसका इस्तेमाल। आगे चलिए, कहाँ यूज़ होता है, हीटिंग अप्लायंसेस में, हीटिंग अप्लायंसेस सच एज माइक्रोवेव्स ओवन, जैसे हमारे घर में माइक्रोवेव ओवन्स होते हैं ना खाना गर्म करने के लिए, तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। आगे ट्यूनेबल मैग्नेट्रॉन एप्लीकेशन है स्वीप ऑसिलेटर, देखिए ऑसिलेटर भी मैंने आपको बता ही दिया, ऑसिलेटर तो ये है ही, ऑसिलेशन प्रोड्यूस करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। चलो दोस्तों, इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब किए बिना जरूर मत जाइएगा, क्योंकि आप यहाँ तक आ चुके हैं, तो आप उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा, तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम।